सुप्रभातम्। अधुना वयं सर्वे कंटकेनैव कंटकं पाठस्य विस्तृत्य पाठं पठामः। आसीत् था कश्चित् कोई चंचलो नाम व्याधः। चंचल नाम का शिकारी, व्याधः शिकारी। चंचल नामक कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन, पक्षी पक्षियों और पशुओं आदि को ग्रहणेन पकड़कर, सह वह स्वीयां जीविकां अपनी जीविका का निर्वाहयति स्म चलाता था। वह पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह एक बार वह वने जालम विस्तीर्य जंगल में जाल फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काल में जब यदा चंचलः चंचल वनम गतवान वन में गया तदा तब सह दृष्टवान उसने देखा कि दृष्टवान यत देखा कि यत अर्थ कि तेन विस्तरिते जाले उसने देखा कि उसके द्वारा विस्तार मतलब फैलाए गए जाल में विस्तरिते जाले जाल में दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से एकः व्याघ्रः एक शेर बद्धः आसीत बंधा हुआ था। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ वहाँ बंधा हुआ था। सह अचिंतयत सोचिंतयत उसने सोचा कि व्याघ्रः माम खादिष्यति बाघ मुझे खा जाएगा अतः एव इसलिए मैं पलायनम करणीयम मैं इधर से भाग जाना ही ठीक रहेगा अतः भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत तभी वाघ ने बोला व्याघ्रः न्यवेदयत नी अधिका अवेदयत न्यवेदयत व्याघ्रः न्यवेदयत वाघ ने निवेदन किया भो मानव अरे मनुष्य कल्याणं भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो भवतु ते कल्याण हो यदि तुम माम मोचयिष्यसि माम मुझे मोचयिष्यसि छुड़ा दोगे तो मोचयिष्यसि तरही तो अहम मैं त्वाम न हनिष्यामि त्वाम तुम्हें न नहीं हनिष्यामि मारूंगा। बाघ ने निवेदन किया अरे मानव अरे मनुष्य तुम्हारा कल्याण हो यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः तब उस शिकारी ने व्याघ्रं जालात बहिः बाघ को जाल से बहिः बाहर निकाल दिया निस्सारयत निकाल दिया निस्सारत निहि असारयत निस्सारयत। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत बाघ थका हुआ था क्लान्तः थका हुआ था आसीत था। स
सह अवदत, सो अवदत, सह अवदत, उसने कहा, भो मानव, हे मानव, हे मनुष्य, पिपासुहु अहम, मैं प्यासा हूँ, पिपासुहु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय, नदी से जल लाकर, नद्याः जलम आनीय, नदी से जल लाकर, मम पिपासां शमय, मेरी प्यास बुझाओ, मम मेरी पिपासां प्यास शमय बुझाओ। व्याघ्रः बाघ ने जलम पीत्वा, बाघ ने जल पीकर, पुनः पुनः व्याधम अवदत, शिकारी से कहा, व्याधम अवदत, शिकारी से कहा, बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, शांता मे पिपासा, शांता मेरी प्यास, शांता पिपासा, मे पिपासा, मेरी प्यास बुझ गई है, मेरी प्यास बुझ गई है, सांप्रतम इस समय, सांप्रतम, बुभुक्षितः अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ, बुभुक्षितः भूखा, अस्मि हूँ, भूखा हूँ, इदानीम अब, अहम त्वाम, मैं तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम, मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम धर्म का आचरण, आचारितवान, धर्मम आचारितवान, धर्म का आचरण किया, व्यवहार किया, धर्म का व्यवहार किया, त्वया मिथ्याभणितम, तुमने मुझे झूठ बोला है, त्वया तुमने मिथ्या झूठ, भणितम झूठ बोला है, त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो, त्वं तुम माम मुझे खादितुम खाना चाहते हो। अस्मिन् प्रकारे वयम् एतत् पठितुम् विस्तृत्य पठितुम् शक्नुमः भवन्ति। In this way, we have completed this paragraph. I think so, everyone has understood. Everyone, write down the difficult words in your notebook. Tomorrow, we will see the next paragraph. Thank you.